टूटा प्यार जगत में और है झूठा प्यार जगत में, तोते से बोली मैं ना और गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। एक डाल पे तोता और मैना दोनों बैठे हुए हैं, इस कलियुग के पहरे को देखते हुए कह रहे हैं कि पिया जी ये नाशवान संसार है, इसमें कोई किसी का नहीं है, आखिर अपनों से बच के रहना। आइए। अरे है झूठा प्यार जगत में, तोते से बोली मैना, हो गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। हो गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। है झूठा प्यार जगत में, तोते से बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। अरे गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। बहुत अच्छा भाई साजो। बच के रहना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच के रहना। और आइए देखें इस कलयुग में क्या होता है। अरे बेटे का भाई, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों तुम ही बताओ बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों तुम ही बताओ बेटी क्या संतान नहीं। अरे बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों तुम ही बताओ बेटी क्या संतान नहीं, दुनिया वालों तुम ही बताओ बेटी क्या संतान नहीं। बहुत अच्छे भाई। श्री राम हुए वनवासी, अपनों से धोखा पाया, वो मौसी भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया, वो मौसी भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया।
बहुत अच्छे भाई। इस कलयुग का पहरा हुआ तो राजा परीक्षित का राज था। कौन कौन जानते हैं, एक बार हाथ उठाइए। जिस समय कलयुग का पहरा हुआ तो राजा परीक्षित का राज था। आखिर जब कलयुग का पहरा हुआ, कलयुग आया तो राजा परीक्षित ने पकड़ लिया। हे कौन और कहां जाता है? राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा कि मैं भी राजा हूं, मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है, इसे मत भूलना, मैं कलयुग हूं। जैसे सब राजाओं ने राज किया वैसे मैं भी राज करूंगा। राजा परीक्षित ने सोचा कि भाई बड़ा क्रोध है इसके अंदर। उसने पूछा कि भाई तू कैसा राज करेगा? उसने कहा कि मेरे राज में क्या होगा सुन, मेरे ऐसे तो चेले होंगे जो किसी का नहीं लेके देंगे। भैया कृष्ण, मेरे चेले ऐसे होंगे जो किसी का नहीं लेके देंगे और वो मौज करेंगे, जो दूसरे के साथ में धोखा करेंगे, छल कपट करेंगे, वो इस मेरे राज में मौज करेंगे, और जो अच्छा इंसान होगा उसकी एक धेले की इज्जत नहीं होगी। आइए किस तरह से के बता दिया। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, वो कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। अरे चांद ना बदला, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला आसमान, वो कितना बदल गया इंसान, वो कितना बदल गया इंसान। क्या बात है आसू, क्या कह रहे भोलेनाथ जी। द्वापर युग में कृष्ण ने जब जन्म जेल में पाया, बाबा ही दुश्मन हो गया अपना समय जान पराया, बाबा ही दुश्मन हो गया अपना समय जान पराया, हो बहना को जेल पहुंचाया, बहना को जेल पहुंचाया, अपना नाम ना कहना, बहुत अच्छे भाई। शुरू से बता रहा है कभी मौत दे, अपनों से बच के रहना, आखिर देखना जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही आखिर लास्ट में धोखा देता है। आइए लास्ट बात में के बता दिया। कैसे बताया बड़ा, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा ये द्वार, हम
पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, कभी तेरा प्यार न छूटे, कभी तेरा प्यार न छूटे, हो कभी तेरा प्यार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। कलयुग का लेना तू किस पे करे भरोसा, ये है कलयुग का लेना, हो मानो सतयुग का कहना, हो मानो सतयुग का कहना, अरे गौतम बाटी ना रहना, गेरों से मतलब क्या है अपनों से बच के रहना, गेरों से मतलब क्या है अपनों से अरे माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, हो जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना।